हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग जो है टाइप ऑफ आरएनए देख चुके थे, अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा हम लोग भी पढ़ चुके हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करता है, और इसको प्रूफ किया था किसने, प्रूफ किया था मैसेलसन और एस्टॉल ने, कि डीएनए रेप्लिकेट बाय द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव या बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि हाउ डीएनए रेप्लिकेट, हाउ डज डीएनए फॉर्म इट्स जीरोक्स कॉपी, डीएनए जो है जीरोक्स कॉपी कैसे फॉर्म करता है। तो डालिएगा हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और कंसेप्चुअल टॉपिक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन, क्या पढ़ना है, डीएनए रेप्लिकेशन, कि हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट। मान लीजिए एक सेल है और एक सेल से दो सेल बनना है। अब एक सेल से अगर दो सेल बनना है तो उसको डीएनए चाहिए, दो सेल बनना है दोनों को डीएनए चाहिए। अब अगर दोनों को डीएनए चाहिए तो यहाँ तो एक ही सेल डीएनए है, तो डीएनए को क्या होना पड़ता है, डबल होना पड़ता है। तो जो डबल होने की प्रक्रिया है दैट इज़ कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। अब बात ये कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है, तो 11th क्लास में पढ़े होंगे सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल में पढ़े होंगे कि सेल साइकिल जो होता है इसमें दो फेज होता है, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। बस इसको देख लो, जरूरी चीज़, इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इंटरफेज क्या होता है, तो इंटरफेज वह फेज होता है जिस फेज में सेल अपने आप को मैच्योर करता है, अपने आप को डेवलप करता है, उसे क्या कहते हैं इंटरफेज। और जिस फेज में सेल मैच्योर नहीं करता, मतलब डिवाइड, जिस फेज में सेल डिवीजन करता है जिस फेज में, उसको कहा जाता है एम फेज, ठीक है। याद है कि भूल गए, भूल गए, पर देख लो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या पढ़ा रहे हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, तो किसी भी सेल के लाइफ में जो पूरे इवेंट्स का एक सीक्वेंस होता है दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द लाइफ स्पैन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। किसी भी सेल के जीवन में जो पूरे घटनाओं का एक क्रम होता है, इवेंट्स का एक सीक्वेंस, मान लो पहले सेल बनेगा, अब बनते बनते वो डिवाइड तो नहीं कर सकता है, जो बच्चा अभी भी पैदा हुआ है जाकर क्या लड़ाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो अभी तो सेल बना है तो अभी क्या करता है, अपने आप को डेवलप करता है, खाता पीता है, मजबूत होता है ना, थोड़ा सा वो अपने आप को डेवलप करता है, मैच्योर होता है। एक बार मैच्योर हो गया तो फिर वो क्या करता है, डिवीजन करना शुरू करता है। तो ये जो पूरा एक सीक्वेंस है दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड सेल साइकिल। इसमें अब दो तरह का सीक्वेंस आ गया, एक हो गया खा पी के मजबूत होने वाला, मतलब इंटरफेज मैच्योर होने वाला, और एक हो गया डिवीजन करने वाला। तो जो रेस्टिंग फेज है, जो मैचुरेशन का फेज है, उसको कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं इसको, इंटरफेज। और जो डिवीजन वाला फेज है उसको कहते हैं एम फेज। क्या कहते हैं उसको, एम फेज, ठीक है, या डिवाइडिंग फेज भी कह सकते हैं इसको, डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज। अब देखो जो इंटरफेज है इसमें फिर तीन फेज आ जाता है। इंटरफेज में कितना फेज आता है, तीन फेज। ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सब आपको काम आएगा, अभी अभी हम नाम लेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र आएगा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। तो पूरे इवेंट का जो सीक्वेंस होता है उसको क्या कहते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल में बेसिकली कितने फेज होते हैं, तो दो फेज, कौन कौन, इंटरफेज या ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इसी को क्या कहा जाता है, रेस्टिंग फेज कहा जाता है। और दूसरे को क्या कहते हैं, डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज में फिर कितने फेज होते हैं, तीन फेज होते हैं, कौन कौन, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 इज कॉल्ड फर्स्ट गैप फेज, उतने प्लेम नहीं जाएंगे, वो आपको 11th क्लास में पढ़ना था, अगर नहीं पढ़े तो वीडियो देख लेना, वीडियो होगा इस पर एक सेल डिवीजन का, चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देखना, वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो खैर, एक को बोलते हैं G1 फेज, एक को बोलते हैं S फेज, एक को बोलते हैं G2 फेज, ठीक है। जो डिवाइडिंग फेज है इसमें फिर दो फेज होता है, एक होता है न्यूक्लियस डिवीजन दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले क्या होता है, पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, और फिर क्या होता है, फिर होता है साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और तब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फिर चार फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। याद है 11th क्लास, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो यहाँ पर कौन कौन हुआ, एक हुआ प्रोफेज, एक हुआ मेटाफेज, एक हुआ एनाफेज, एक हुआ टेलोफेज।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये चार मिलाकर होता है आपको न्यूक्लियर डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस। इन चारों में क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और फिर होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि सेल डिवाइड करता है। अब ये सब क्यों बताएं? इसलिए बताएं क्योंकि देखो साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड हुआ और दो सेल बना। अब दोनों सेल को मैच्योर होना है। वो मैच्योर कहाँ होता है? जीवन फेज में जाकर। जीवन फेज में जब जाता है तो अपने आप को क्या करता है? मैच्योर, डेवलप करता है, ठीक है। तो किस फेज में डेवलप होता है? जीवन फेज में। एस फेज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस फेज। एस फेज को क्या कहा जाता है? एस फेज को कहा जाता है सिंथेसिस फेज। और ये जो सिंथेसिस फेज है इसी में डीएनए रेप्लिकेट करता है, इसीलिए ये सब पढ़ रहे थे। तो हम लोग को पढ़ना है डीएनए रेप्लिकेशन। और आया हुआ क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स? तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस फेज। तो जीवन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट गैप फेज, जिसमें कि सेल डेवलप होता है। एस फेज को बोलते हैं सिंथेटिक फेज। जी टू को क्या बोलते हैं? सेकेंड गैप फेज, जिसमें कि जो डीएनए बना है इज बींग चेक्ड बाय द एंजाइम्स, कि जो डीएनए बना है कॉपी हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक किया जाता है। तो खैर पूछा जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? तो सेल साइकिल के एस फेज में होता है। कब होता है? एस फेज में होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एंजाइम्स भाग लेते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन एंजाइम्स होते हैं? तो एक होता है डीएनए हेलिकेज। कौन एंजाइम होता है? डीएनए हेलिकेज। दूसरा होता है टोपो आइसोमेरेज। क्या कहते हैं? टोपो आइसोमेरेज। हालांकि डीएनए रेप्लिकेशन का हीरो एंजाइम एक ही है, यही इसमें हीरो एंजाइम है जो कि पूरे रेप्लिकेशन में डोमिनेंट होता है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वही मतलब है कि हीरो है, लेकिन एक फिल्म अगर बनता है, एक मूवी बनता है, उसमें खाली हीरो थोड़ा रहता है, हीरो रहता है, बहुत सारे साइड एक्टर रहते हैं। तो ये सब कुछ साइड एक्टर है। अब मेन हीरो कौन है? डीएनए पॉलीमरेज मेन हीरो है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस का। तो डीएनए हेलिकेज, टोपो आइसोमेरेज, और कौन होता है? एसएसबीपी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। SSBP का बोलो फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और कौन होता है? तो और होता है आपको सबसे इसमें का हीरो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए आया हुआ क्वेश्चन है ये हीरो वाला बात कि विच इज़ द मेन एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम। अभी भी बहुत सारे टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक में तीन टाइप का होता है, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। तो पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम, ठीक है। तो उतना आपको नहीं जाना है, बस याद रखना डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम। तो डीएनए हेलिकेज, टोपो आइसोमेरेज, एसएसबीपी, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज। लाइगेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, यह जोड़ने का काम करता है। जहाँ भी अगर मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है तो वहाँ पर कौन एंजाइम आता है? लाइगेज। याद रखना है दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइगेज और एक इंडोन्यूक्लियस। अगर मॉलिक्यूल को काटना है, ठीक है, तो वहाँ पर आता है इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं उसको। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या फिर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, ये एंजाइम मॉलिक्यूल्स को काटने का काम करता है। इसलिए इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर मतलब क्या होता है? कैंची। तो मॉलिक्यूलर कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोला जाता है। जो दो टाइप का होता है, इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। और मॉलिक्यूलर ग्लू मतलब चिपकाने का काम कौन करता है? लाइगेज करता है, चिपकाने का काम, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। और अगर हम देखें तो और कौन होता है? तो और होता है आरएनए प्राइमर। कौन होता है? आरएनए प्राइमर। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब टूल्स हैं। व्हाट आर दिस? दीज आर टूल्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो है डीएनए रेप्लिकेशन के टूल्स हैं, औजार हैं, जिन औजारों की मदद से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब देखो कैसे रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन आखिर होता कैसे, ये तो हम टूल्स बताएं आपको, ये चीज़ें यूज आएंगी, बिना इनके रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। अब है कि ये सब एंजाइम्स काम कैसे करते हैं, ये कैसे काम करते हैं डीएनए पर, और कैसे डीएनए को जो है
रेप्लिकेट होने में मदद करते हैं। तो ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है, नहीं देखे तो देख लेना, वास्तविक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। उसमें हम बताए थे कि कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और कौन कौन से बॉन्ड डीएनए में पाए जाते हैं, ये हम लोग वहाँ पर बताए थे। तो देखो, डीएनए ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसमें ये दो स्ट्रैंड होते हैं, उसमें नहीं जाएंगे कि ये जो बैक स्ट्रैंड है ये बना हुआ है आपको शुगर और फॉस्फेट का, और जो ये है जो इसमें नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की ओर निकला होता है, एडनिन के सामने थायमिन होता है, गुआनिन के सामने साइटोसिन होता है, एडनिन थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो डीएनए को क्या कराना है, रेप्लिकेट कराना है, क्या कराना है, रेप्लिकेट, जीरोक्स कराना है, डुप्लीकेट करना है, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपको, ऐसे कब होता है, एस फेज में, सेल साइकिल के एस फेज में, सबसे पहले यहाँ पर आएगा डीएनए हेलिकेज, सबसे पहले क्या आएगा, डीएनए हेलिकेज। और डीएनए हेलिकेज क्या करेगा कि देखो, ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों जो स्ट्रैंड हैं इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडिनिन अगर इधर है तो इधर कौन है, थायमिन, एडिनिन थायमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर अगर गुआनिन है तो इधर कौन है, साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सब बात है, एडिनिन के सामने गुआनिन, एडिनिन के सामने थायमिन, और गुआनिन के सामने कौन होता है, तो साइटोसिन होता है, साइटोसिन। तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा कि जो बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डीएनए हेलिकेज ये काम करता है, डीएनए हेलिकेज क्या करता है, इट ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। तो ये मान लो कि एक और ये मान लो दूसरा, और इन दोनों का जो बॉन्ड था, तो इसको अच्छे से बनाते हैं। देखो, डीएनए हेलिकेज क्या करेगा कि जो बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं दोनों चैन्स के बीच में, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो एडिनिन थायमिन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और गुआनिन और साइटोसिन में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो डीएनए है उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको डीएनए हेलिकेज तोड़ेगा, ठीक है। जैसे ही तोड़ेगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो, पहले ये बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड टूट चुका है, दोनों अलग अलग हो गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण होता है। जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क बना, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो जैसे ही दोनों बॉन्ड टूटा, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा दोनों स्ट्रैंड के बीच में, तो क्या होगा कि ऊपर में टेंशन बढ़ना शुरू होगा, तनाव बढ़ना शुरू होगा। समझाते हैं कैसे, जैसे मान लो कि एक रस्सी होगा, रस्सी, ठीक है, और रस्सी को क्या करें कि एक तरफ से पकड़ लें और दूसरी तरफ से पकड़ के रस्सी को ऐसे खींचें, अगर खींचेंगे ऐसे दोनों को फैलाएंगे तो ऊपर में तनाव होगा कि नहीं होगा, टेंशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, करके देखना। एक रस्सी पकड़ना, जो नरी जो नॉर्मल रस्सी आता है, जुट रस्सी जो आता है पकड़ना, और उसके दोनों इंड नीचे से पकड़ के उसको ऐसे फैलाना, तो उससे क्या होगा कि ऊपर में तनाव क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों रस्सी में दोनों साइड को पकड़ के ऐसे करें तो ऊपर में इकट्ठा होगा और तनाव क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा। वैसे ही डीएनए में भी होगा, जब इसको हम ऐसे किए तो ऊपर में टेंशन क्रिएट होगा, जब डीएनए हेलिकेज बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, तो ये भी चांस है कि इसके रिकवाइलिंग ना हो जाए, क्योंकि मान लो कि रस्सी में अगर दोनों फैलाकर हम छोड़ दें तो छोड़ने के बाद क्या होगा, आपस में अगर फिर से लिपट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो कहेगा कि डीएनए हेलिकेज तुम अपना काम बढ़िया से करो, हम इसको रिकवाइलिंग होने से बचाएंगे। और वो क्या करेगा कि एसएसबीपी जो है वो आकर दोनों स्ट्रैंड पर ऐसे चिपक जाएगा, दोनों जो स्ट्रैंड हैं उस पर आकर ऐसे चिपक जाएगा,
दोनों जो स्ट्रैंड है उस पर आकर ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद देखो फिर ऊपर में क्या हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है। अब जब ऊपर में टेंशन क्रिएट हो रहा है तो अब डीएनए टूट सकता है ना। मान लो रस्सी में ही और करें तो अगर खींचेंगे ऐसे में टेंशन क्रिएट होगा, अगर इस तरह कमजोर होगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। डीएनए तो बहुत कमजोर है, मॉलिक्यूल है, ये टूट सकता है। तब यहाँ पर आएगा टोपो आइसोमेरेज, और टोपो आइसोमेरेज अगर क्या करेगा कि उस टेंशन को कम करेगा, कैसे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देगा। जब इसको ऊपर शिफ्ट करेगा तो टेंशन है थोड़ा कम हो जाएगा, जो टेंशन है थोड़ा कम हो जाएगा, टोपो आइसोमेरेज के कारण जो टेंशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए हेलिकेज क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा। एसएसबीपी जो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या किया, रिकॉइलिंग को रोका, ठीक है, कॉइलिंग फिर से ना हो उसको रोकने का काम किया। उसके बाद टोपो आइसोमेरेज क्या किया, तो टेंशन जो हो गया ऊपर में उसको कम करेगा। और फिर इसके बाद मान लो कि इसमें दोनों जो चैन्स हैं वो कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। मान लो कि ये है 5 प्राइम, तो इसका जो दूसरा एंड होगा ये कैसा होगा, 3 प्राइम, और ये अगर है 3 प्राइम तो इसका जो दूसरा एंड होगा ये कैसा होगा, 5 प्राइम। जब ये हालत हो गया तब क्या होगा कि आरएनए प्राइमर आएगा, और आरएनए प्राइमर आने के बाद आरएनए प्राइमर आकर जुड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत है कि आरएनए प्राइमर केवल 3 प्राइम के सामने ही जुड़ सकता है, 5 प्राइम के सामने नहीं जुड़ सकता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज है जो कि इसमें मेन हीरो है, वहीं रेप्लिकेशन करने का काम करेगा, वहीं डीएनए को डुप्लीकेट कराने का काम करेगा, ठीक है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है ये भी 3 प्राइम से 5 प्राइम के तरफ ही कर सकता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। सबसे पहले क्या होगा कि आकर जो आरएनए प्राइमर है वो आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसके सामने आकर जुड़ गया, और ये कौन हो गया 5 प्राइम, इधर कौन हो गया 3 प्राइम, और 3 प्राइम के सामने आकर जुड़ गया। फिर यहाँ पर ये जोड़ लेगा डीएनए पॉलीमरेज को, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज खुद से आकर नहीं जुड़ेगा, बल्कि क्या होगा कि आरएनए प्राइमर आएगा उसके ऊपर आकर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, ठीक है। और जब जुड़ जाएगा तो उसके बाद देखो जब ये बॉन्ड टूटा था तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ नाइट्रोजन बेस तो होगा, जैसे कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर भी होगा। अगर बॉन्ड ना टूटा है तो इधर अगर मान लो एडेनिन है, इधर कौन होगा, थायमिन, इधर अगर गुआनिन है, इस सब में तो ऐसा है ना, इन सब में ऐसे बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन सब में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ टूट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एडेनिन है, मान लो यहाँ पर गुआनिन है, इस तरह से मान लो, तो इधर एडेनिन है, इधर हम क्या मानेंगे, इधर क्या है, थायमिन, इधर गुआनिन है तो इधर क्या है, साइटोसिन, ऐसे। और उससे आकर कौन जुड़ गया, डीएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ गया, ठीक है। जब ये आकर जुड़ा तो फिर क्या होगा कि ये अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, मतलब एडेनिन के सामने कौन होता है, थायमिन, तो साइटोप्लाज्म में से क्या करेगा कि जो थायमिन है उसको बुलाएगा और उसको लाकर इसके सामने यहाँ पर जोड़ेगा। तो इसी गुआनिन के सामने इसको जोड़ेगा, साइटोसिन बुलाकर यहाँ पर जोड़ेगा, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू करेगा और रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, जैसे आगे बढ़ेगा फिर से ये स्टैंड टूटेगा, मतलब आगे और खुलते जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा और होते जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है कि ये केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही हो सकता है, इधर आकर सामने यहाँ पर नहीं जुड़ सकता आरएनए प्राइमर। तो ये जो स्ट्रैंड है, जो स्ट्रैंड है जहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे कि मान लो कि टीचर हैं जिनके पास, मान लीजिए कि एक अगर नोट्स है और नोट्स अगर 2 लोगों को देना है तो क्या करेंगे, जाकर नोट्स को जीरोक्स करवाएंगे। जब नोट्स को जीरोक्स करवाएंगे तो उसका फिर मतलब उसका 2 कॉपी निकलवाएंगे तो दोनों में बांट देंगे, है ना। तो एक जो नोट्स उनके पास था उसी से दोनों नोट्स निकला है ना। तो वो जो एक नोट्स उनके पास था उसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट, क्या बोलेंगे उसको, टेम्पलेट बोलेंगे। तो वैसे ही मतलब कि जो हेल्प करता है जिसके पर कि पूरा आगे का जीरोक्स हुआ है उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। तो वैसे ही इन दोनों में से भी इसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन होता है उस स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। तो ये कौन सा स्ट्रैंड हुआ, टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ। अब उस पर आकर जुड़ा, अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इस पर आसानी से इधर आगे बढ़ते जाएगा डीएनए पॉलीमरेज और रेप्लिकेशन होता जाएगा।
ये जो रेप्लिकेशन है ये कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन यहाँ हो रहा है, कंटिन्यूअस कोई दिक्कत नहीं है, असाइन रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इस तरह रेप्लिकेशन को बोलते हैं कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। और जिस स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है उसको कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, क्या कहा जाता है इसको, लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, जिस स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। जबकि वहीं अगर मतलब ये जो स्ट्रैंड है इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड कौन है, दैट स्ट्रैंड ऑन विच कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन अगर या प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन अकर्स कंटिन्यूसली आर नोन एज या इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये केवल यहीं पे हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो आरएनए प्राइमर है वो इधर से आकर नहीं जुड़ पाएगा, 5' के सामने आकर नहीं जुड़ पाएगा, ये इधर से रिप्लिकेट करना शुरू करेगा। ऐसा मतलब क्या है, ऐसा एजम्पशन है, कोई देखा नहीं कैसे होता, ऐसे एजम्पशन है। जो इधर से कर नहीं सकता है तो यहाँ आकर करना शुरू करता है, आरएनए प्राइमर आकर यहाँ पे जुड़ता है और छोटा सा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आकर जुड़ा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, मतलब कि जो 3' वाला रेप्लिकेशन है स्ट्रैंड है वहाँ पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है और यहाँ पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब कि पहले ऐसे एक टुकड़ा बना, फिर यहाँ मान लो एक टुकड़ा यहाँ बना डीएनए का, फिर यहाँ दूसरा बनेगा, फिर यहाँ तीसरा बनेगा, फिर यहाँ चौथा बनेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि टुकड़े बनेंगे और ये जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं डीएनए के इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं इनको, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। मतलब कि एक स्ट्रैंड पर जो रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यूअस होता है, दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरे स्ट्रैंड पर जो रेप्लिकेशन है वो डिसकंटिन्यूअस होता है और उस स्ट्रैंड को कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहा जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड। एक को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और एक को क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड पर क्या बनता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं और इन फ्रैगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और फिर ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो होता है इनको आपस में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज। हम बोले कि जहाँ भी मॉलिक्यूल्स को जोड़ना हो तो जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट कौन होते हैं, तो द स्मॉल फ्रैगमेंट्स विच गेट्स फॉर्म ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट विच आर 1000 to 2000 बेस पेयर ऑफ फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट में कितने बेस पेयर होते हैं, 1000 से 2000 तक, जो आपस में फिर जोड़ दिए जाते हैं किसके द्वारा, लाइगेज के द्वारा। और जोड़ने के बाद फिर क्या हुआ, इधर भी रेप्लिकेशन हो गया, इधर भी। अब देखो धीरे क्या होगा, खुलते जाएगा ये, इधर स्ट्रैंड एक डीएनए बनते जाएगा, ये बनते जाएगा। मतलब कौन सा रेप्लिकेशन हो रहा है, सेमी कंटिन्यूअस। पहले भी हमने पढ़े थे कि जो रेप्लिकेशन होता है वो कौन सा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। कौन सा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। देखो एक स्ट्रैंड पुराना वाला ही रह गया और एक नया स्ट्रैंड बना, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। और कितने तरह के स्ट्रैंड हैं, तो दो तरह के स्ट्रैंड हैं, एक को क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, एक को क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड कौन है, जिस पर एप्लीकेशन कैसा होता है, कंटिन्यूअस, उसे क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। और जिस पर डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है डेट इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। पूछा जाएगा तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट किस पर बनते हैं, ओकाजाकी साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसको खोजा था इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। पूछा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट किस में बनते हैं, लीडिंग में कि लैगिंग में, तो क्या बोलोगे, लैगिंग में बनते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट कितने बेस पेयर के फ्रैगमेंट्स हैं, तो 1000 से 2000 बेस पेयर के। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में कौन जोड़ता है, तो डीएनए लाइगेज जोड़ता है। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, तो सेल साइकिल के एस फेज में होता है। और
अब सब एग्जाम की अगर सब एंजाइम्स अगर नाम पूछा जाए आपसे और उनका फंक्शन क्या होता पूछा जाए, तो पहला कहना डीएनए हेलिकेज, इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजनस बेस इन बोथ द स्ट्रैंड। टॉप वाइज मेरेज, इट रिड्यूसेस द टेंशन ड्यू टू फॉर्मिंग ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। और जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तब ऊपर में जो टेंशन क्रिएट होता है उसको कम करने का काम टॉप वाइज मेरेज करता है। अब जब डिसकॉइलिंग तो हो गया तो फिर उनको रिकॉइलिंग से बचाने का काम कौन करता है, SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड, दीज आर कॉल्ड व्हाट, SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन का काम करवाता है, डीएनए जो न्यूक्लिक जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनको अट्रैक्ट करवाता है और लाकर जोड़ता है उनको यहाँ पर। आरएनए लाइगेज क्या करता है, ओके फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। और आरएनए प्राइमर क्या करता है, आरएनए प्राइमर आकर जुड़ता है किसके आगे, 3' के आगे आकर जुड़ता है और 5' से 3' की तरफ रेप्लिकेशन शुरू करवाता है। जिस स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जिस पर डिसकंटिन्यूअस होता है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंड विथ द हेल्प ऑफ लाइगेज, एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर 1000 to 2000 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए विच फर्दर गेट्स ज्वाइन बाय द लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो जो है ये हम लोग पढ़ेंगे फिर से आगे ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन के बारे में। इन सब बातों को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और बेहतर होगा एक बार NCERT रीडिंग दे देना। ठीक है, उसमें आपको सब बातें एकदम साफ साफ लिखी हुई मिल जाएंगी। बाकी जब हम बोलें लगभग सब बात हम बता चुके हैं, आपको बस इसको रिवाइज करना है, एक बार सब लिखना है और खुद से पूछना है कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या है, लाइगेज का क्या काम है, हेलिकेज का क्या काम है, टोपोइसोमेरेज का क्या काम है, SSBP का क्या काम है, डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, ये आपको खुद से पूछना है उसको लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो तकली पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।